वेलकम बैक टू माय चैनल पुनीर निखिल। तो गाइस अभी एक छोटा सा प्लान हो रहा है, हम फ्रेंड्स लोग स्टे के लिए निकल रहे हैं। स्टे कहाँ करेंगे ये आपको मैं उसी स्पॉट में जाके बताऊंगा, लेकिन अभी हम अर्ली लाइक कितने बजे पड़े, अभी 7 बजे यहाँ से अभी निकल रहे हैं। तो और ये आयुष आपको इसको देखा ही रहेगा अपने ब्लॉग में, इसके पहले भी मेरा फ्रेंड का लड़का है। अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, एक बंदा आने को अभी देर है तो वो आ रहे हैं अभी, तो मिलते हैं वो आने के बाद अभी रास्ते में ब्रेकफास्ट पे और बता दें। चलो गाइज रेडी 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 रेडी। अभी हम एक्चुअली 7 बजे आ गए थे, लेकिन श्रेयांक और कृति की वजह से ऑलमोस्ट हमको 1 घंटा लेट हुआ है। तो हम 7 बजे बराबर सब लोग नीचे थे और ये इसके वजह से लेट हुआ है। फाइनली हम निकलने का हमारा टाइम हो चुका है, और ये जो आज का जो लेट हुआ है ये लेट करने वाला कृति है, जो कम से कम 1.5 घंटा लेट हुआ है इसको। नहीं नहीं देते बरोबर कैमरा में सगड़ी हो जाए। अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, पहले तो ब्रेकफास्ट होगा और आगे चलो आज का दिन मजेदार। गाइज अभी हम ऐसी जगह पे जो हफ्ते में मैं एक बार जाता हूँ एक बार आता हूँ, जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, और अभी लोनर ट्रैफिक कभी भी यहाँ पे ट्रैफिक मिलती है। बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं आया तो ट्रैफिक मिलती नहीं थी, लेट हुआ तो ट्रैफिक नहीं थी। आज तो सैटरडे है तो भी ट्रैफिक है यहाँ पे, एक्चुअली दो बोथ साइड में ट्रैफिक है। अभी हम यहाँ से लेफ्ट साइड में कोपुली से होकर जाएंगे। गाइज अभी हम आधे रास्ते से भी ऊपर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 घंटा ड्राइव किया। अभी मेरे साथ दोनों भी बच्चे अंदर बैठी है, तो अभी एक स्टॉप पे रुका है, अभी सुशांत आ रहा है और अभी श्रेयांक जस्ट गाड़ी से उतर रहा है। अभी अब ये जो सामने देख रहे हो ना, ये रोड जो जो लोनावला मुंबई का जो मिसिंग जो लेन है, मिसिंग बाईपास मिसिंग लेन, जो पूरा जो लोनावला खंडाला का जो घाट है वो पूरा एस्केप करेगा और इस रोड से लेके आएगा। तो बहुत ही बड़ा एक टाइम सेविंग होने वाला है कि ऑलमोस्ट किसी जैसे अभी आपने देखा ट्रैफिक ऑलमोस्ट डेली ट्रैफिक ऐसी ही लगती है यहाँ पे, दो तीन तीन घंटा भी लगते हैं हमें कभी कभी पहुँचने के लिए। मिसिंग लाइन से ये है कि भी कार, ऐसा सुना है कि कार ही अलाउड है, कभी ट्रक भी हो सकते हैं दोनों। ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, 23 दिसंबर को होने वाला था इसका इनॉग्रेशन, लेकिन 24 तक जाएगा मार्च अप्रैल तक। तो मैं पहला बंदा रहूँगा जिसका इनॉग्रेशन रहेगा, तो आपके साथ यहीं पर खड़ा रहूँगा। इनॉग्रेशन के लिए हमको बुलाया, इनॉग्रेशन के लिए, हाँ इनॉग्रेशन हमको बुलाया नहीं, लेकिन हम सेल्फ इन्विटेशन है हमको और हम आने वाले हो। पहला हमारा ही है गाड़ी, खड़ा रहने वाला हूँ अपना, कोई भी ब्रिज हो सबसे पहले हम लोग। अरे ये रोड है भाई, अभी हफ्ते में 2-4 बार आना जाना होता है इसी रोड, हफ्ते में 2-4 बार आना जाना 100% होता है। अच्छा हार्ड डाइवर्जन दिला जल्दी, हाँ हार्ड डाइवर्जन मस्त है बना, झाले ऑलमोस्ट काम झाले, ऑलमोस्ट काम हो चुका मेन दो हॉस्पिटल ये अभी एक्चुअली ये तो ब्रिज है, लेकिन इसका अंदर के साइड में यहाँ से पूरा अभी दिसंबर में चालू हो गए रोड भीड़ सब हो गए। कुछ ऐसे रास्ते हैं करजत के, फर्स्ट टाइम आया हूँ एक्चुअली मैं इस साइड में, करजत साइड में, लेकिन बहुत ही बढ़िया ऐसे रोड है। जैसे मैं करजत क्रॉस किया उसके बाद में जो नेचर ब्यूटी है, अच्छा खासा ग्रीनरी है और डेन फॉरेस्ट भी है, ट्राई करना चाहिए था इसके पहले भी मैंने करजत साइड, लेकिन नहीं कर पाया, लेकिन चलो आज मौका आ गया। और दापोली कोकन करते करते हम करजत आ पहुँच गए, जो सामने जो दिख रहा है ना ये है आयुष जो ऊपर निकला है सनरूफ से, और सामने चला रहा है कार श्रेयांक। फाइनली हम पहुंच गए, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे जो विला है, क्या नाम है इस विला का, ये देखो तुम्हारे फ्रेंड्स उधर जा रहे हैं, व्यू विला और ये है पूजा, ये इसको सब जानते हैं, वो फेमस है ये थ्री ज्वेल, और इसको तो सब जानते हैं थ्री ज्वेल्स में मिस्टर चांडक, मुझे थ्री ज्वेल्स में नहीं, मुझे यूट्यूब पे भी सब लोग जानते हैं। फ्री है ना उदय, तो पार्किंग के लिए भी अच्छा खासा जगह है, यहाँ पे 4-5 भी कार पार्क हो सकती है, जैसे कोई इशू नहीं है। और आते ही हमारा शुरू हो चुका है क्रिकेट, और अभी ये इनके लिए भी थोड़ा सा प्लेग्राउंड है, और विला एक्चुअली ये है, तो देखते हैं अभी ऊपर
ओके पहले एक्चुअली चलो आयुष का ऐसा कहना है कि वो पहले विला दिखाएगा, दिखाएगा ना विला। चलो आयुष हमको गाइड करेगा आज और तू बताएगा क्या क्या विला में। ओ स्विमिंग पूल देखो, बच्चे छोटे ना बाहर, मस्त है स्विमिंग पूल। आला का डायरेक्ट उड़ी है, ठीक है, मस्त है रे स्विमिंग पूल। ये अच्छा है रे, ऊपर भी, ऊपर भी स्विमिंग पूल है, नहीं स्विमिंग पूल है, चल ऊपर भी स्विमिंग पूल है। क्या बात है, खुशी देखो, खुशी इनकी खुशी। चलो और अभी आयुष हमको पूरा गाइड करेगा। अभी कैरम भी है, इंडोर गेम्स भी है यहाँ पे, अच्छा खासा है। ये लिविंग एरिया, उस साइड में किचन है, वहाँ पे तक चलो चले जाते हैं अभी। ओके एग्जिट एंट्रेंस, ओके, और छोटा किचन, किचन फ्रीज सब कुछ है यहाँ पे। और ओके एक नीचे एक रूम दिया है, अच्छे रूम्स भी अच्छे, एसी रूम है। और अभी ऊपर जाएंगे, रुको रुको ये पहले बताते, इधर एक ओपन फ्रिज भी है जो यहाँ से लो। रेडबुल है, रेडबुल है रे, इकड़े रेडबुल है यहाँ पे। अच्छा अच्छा विला है, अच्छा विला है गाइस, मस्त है, अच्छा तो लग रहा है। अभी पहले ऊपर का स्विमिंग पूल देखते हैं। ओके फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ओके रूम सी है क्या? हाँ ओके, ये भी रूम ही है, रूम भी अच्छे है, कोई टेंशन नहीं है, एसी रूम से सारे, अच्छा खासा व्यू है। अगर ये ओपन करोगे आप तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा। हम ये ओपन ऊपर करना पड़ेगा, इसको करते हैं अपन इसको ऊपर। ये सामने का व्यू है, अच्छा है व्यू, अच्छा है। एक रूम एक्स्ट्रा है क्या? किसको चाहिए? ऊपर भी है क्या? मेरे हाथों बाजू में रखो, मेरे कैमरे में आ रहा है। ये आप पर ये आसन है, इधर भी रूम है क्या? हां ये रूम है, इधर भी एक अच्छा, ये अच्छा बड़ा मास्टर बेडरूम है। ये आप पर ये मास्टर बेडरूम है, सब ये आप लगो ना आप। हेलो 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 हेलो, थोड़ा सा वेगळा स्मेल येतोय ना, स्मेल येतोय मला, पण आला स्मेल थोडा सा क्लीनिंग, हां अभी का क्लीनिंग है शायद, बट बस बंद बंद ही रखा होगा ना। रूम अच्छे बड़े भी है, छोटे भी है, कोई इशू नहीं, ऊपर भी है। इस साइड में एक रूम है क्या? ये भी रूम ही है, हां बड़ा रूम है। ओके ये भी अच्छा रूम है, नहीं वो भी बड़ा है, सारे बड़े, एक ही छोटा है बस। चलो अच्छा है, रूम अच्छे बड़े बड़े है और व्यू तो मस्त है एकदम। देखो वो सामने दिख रहा है वाटरफॉल, इतना झूमने हुआ। चलो ये रूम मेरी हो गया है अभी, इस रूम पे मेरा कब्जा है, इस रूम पे मेरा कब्जा है। और अभी फर्स्ट फ्लोर होने के बाद हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं हम। आयुष तू बता थोड़ा सा हमको रूम के बारे में जानकारी दीजिए। यहाँ पे डेक बना है, डेक जो आपको डेक पे लेके आ रहे हैं, और ऊपर है स्विमिंग पूल, मजेदार, वाह 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 वाह। चले वीडियो ना को ये ये कोड़ा क्या रे, जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त, हाँ वाला मस्त है। और ये ऊपर से पूरा व्यू, ये नहीं जेवायचं कुठे, जेवण नाही आपल्याला, जेवायचं कुठे, ते काय बोलले, जेवले ना 1000 रुपये कमी होते, म्हणलं ठीक आहे नको जेवण, म्हणून ते वेफर घेतले एक्स्ट्रा। सब लोग फुल एक्साइटेड हो चुके हैं यहाँ पे फोटो निकालने के लिए, फुल एकदम इन्फिनिटी पूल का मजा लेने वाले सब लोग। और आपको कैसा लग रहा है बच्चों, मेरे बच्चों? दुही वेयर योर सॉक्स, बसते है ना। और अभी सब एकदम एक्साइटेड है, और सब रूम वगैरह का सब अभी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ये क्या है, कबड़ है क्या? पता नहीं, लॉक है पता नहीं, लेकिन मस्त है, चल चल चल, और बेस्ट है एकदम। तो ये कुछ स्विमिंग पूल का ऐसा ऐसा व्यू है यहाँ से, यहाँ पे
नहीं डायरेक्ट स्विमिंग पूल में धपाक चले रूम क्या है और हम आते ही इन्होंने हमारा लाइसेंस देखो गाइस, तो अभी जैसे आए हम वैसे हमारे लंच का टाइम हुआ, तो अभी लंच में यहाँ पे वेज नॉन वेज अच्छा खासा मेनू है, स्टार्टर भी दिया है, वेज भी अच्छा है यहाँ पे। जस्ट रूही का खाना दूँ बस, सभी लंच फिनिश करते और मिलते और देखो ये छोटा हमारा अभी एंजॉय कर रहा है पूरा पानी में, गाइस से बैठ के खाना खा रहे हैं रास्ते में, और ये सब चले गए स्विमिंग पूल में, और किकी रोती हुई नहीं जाने का, और ये रोती हुई जाने का। रूही एक शर्ती और जंप करे जी तरह रूही गिर चुकी है, थाम तुला ट्यूब देतो रुई तू भी आता की वीडियो भी आएगी ना फिर अरे बाबा अरे भी ग्रुप पर हम ले जाते हैं हां कहां पे यहां पे हां इधर आता है मस्त इधर मत अरे हमने वीडियो चल पूरा है कवर हो रहा है सुबह का दिन फीलिंग आता है कशाला गेली अरे मस्त ऐसा व्यू है यहाँ पे और मस्त सब लोग एंजॉय कर रहे पानी के अंदर। कॉर्नर में फोटो चालू है ना बस ऊपर का भी आ रहा तो माउंटेन अपन मगाशी बस गाड़ी पकड़ लो ठीक 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 कैसे बोल रहा है तैयारी से तैयारी पता नहीं तो कौन अरे भाई एक और ने मगाशी ने वॉकिंग के लिए चलो चलो इधर देखना चलो बस रूही कैमरा तो कैमरा रूही कैमरा तो कैमरा रूही कैमरा तो बस
ती बघतच नाही. अरे बंद करून ठेवून द्या, ऑफ करा ऑफ. तो गाइस अभी हम करते हैं इस इन्फिनिटी पूल को बाय बाय. तो नीचे अभी हम क्रिकेट के लिए जाते हैं. अभी थोड़े यहाँ पे कुछ इवेंट शूट होने वाला है तो अभी नीचे निकलते हैं. भाई हम भजी खाने के लिए वेट कर रहे हैं. भजी है क्या? नहीं, नहीं है. भजी, नहीं, भजी स्नैक क्या है भाई? इवनिंग स्नैक कुछ चाहिए ना? कितना चार्ज है उसका? ओके उसके लिए प्लेट का 75 है. देखो अभी अगर इवनिंग स्नैक चाहिए तो 75 रुपए लगेगा. तो बोलते ऐसे नहीं ना, थामा ना, आशा बना के लागेल. लिटल हार्ट सगळ्यांची. हां बरं वाटलं बाबा. सांगू का बनवा? नको नको तुम्हाला लागेल. नाही नाही आता काय, आम्ही थोड्या वेळाने सांगू तेव्हा बनवूया. तेव्हा बनवूया, आता नाही. आता चहा पिऊयात आपण. बिस्किट वगैरह खाई नहीं का? अरे यार ए क्या चल रहा है तेरा? क्या चल रहा है छोटू तेरा? छोटू क्या चल रहा है तेरा? छोटू हाय जीवांश. हेलो करो. हेलो गाइस, अभी शाम हो गई है ऑलमोस्ट 6:30. थोड़ा सा यहाँ पे क्रिकेट बैडमिंटन थोड़ा सा खेला और अभी हम प्लेस डिसाइड कर रहे हैं कि हम कहाँ बैठेंगे खाना खाने के लिए. वहाँ पर थोड़ा टाइम पास करेंगे, गेम वगैरह खेलेंगे. और बच्चों के लिए यहाँ पे है बास्केटबॉल भी है और दो तीन गेम. अभी हम जा रहे हैं ऊपर देखने के लिए प्लेस. अगर अच्छी लगी तो हम ऊपर ही बैठेंगे. मस्त ऊपर ही बैठने के लिए हैं तो मैं आपको अभी बताता हूँ. और देखिए ना लोकेशन एकदम मस्त है. हाँ और ये ऐसा मस्त ऐसा लोकेशन है. वाह नाइस वन, नाइस वन. अरे बेस्ट है. इधर ही बैठेंगे, इधर ही बैठेंगे. बेस्ट है, बेस्ट है भाई, बेस्ट है. इधर गाड़ी टाकली तर लहान पोरं पण खेळतील. मस्त है, मस्त है, मस्त राहुल. नहीं 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 टावेल वगैरह तुमचा हलवा. तो अभी फाइनल डिसीजन यही हम बैठेंगे और यहाँ पे खाना खाएंगे, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे. और बस आवडलं तुला बसायला इथे? गाइस तो अभी सब लोग एंजॉय करके थोड़ा पार्टी करके कुछ बताने में अभी खाना आ चुका है. ये एक्चुअली ऑलमोस्ट अभी अगर आप टाइम देखोगे तो 12 बज गए. अभी सब लोग ऑलमोस्ट सोने के मूड में तो खाना शायद कम लोग ही खाएंगे. अभी हम खाना ख़त्म करके हम भी सो जाते हैं, कल ब्रेकफास्ट में मिलते हैं. तो अगर गाइस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड. और अभी मिलते हैं कल नए ब्लॉग में. मैं बीबी बैठी हूँ. बीबी को क्या